गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आम डॉक्टर यदू राव एंड आई वेलकम यू ऑल इंट्रोड्यूस सेशन ऑन कास्ट अकाउंटिंग इन लास्ट फ्यू सेशन वी टॉक्ट अबाउट हाल सेज प्रीमियम प्लान और बोनस प्लान एंड देन वी हैड क्यूरी सेशन स्टूडेंट ना यू वेल वर्स्ट विद दमूला ऑफ हाल से आज हम जो बात करने वाले हैं वो रोन्स प्रीमियम प्लान की है और रोन्स प्रीमियम प्लान में हम सबसे पहले फार्मूला देखेंगे रोन्स प्लान का रोन्स प्रीमियम प्लान का फार्मूला क्या है दूसरा हम इसे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे हालसेज प्रीमियम प्लान के फॉर्मूले से यानी हालसे ने जो फार्मूला दिया किस तरह से वो सिमिलर है रोन प्लान के साथ या रोन ने जो फार्मूला दिया किस तरह से वो डिसिमिलर है या जो डिफरेंसेस हैं फॉर्मूले में उनकी बात करेंगे डिटेल में आ, कारण यह है कि इनसे कंसेप्चुअली हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इनके कम्पेरिजन को भी थोड़े ग्राफिकल रिप्रजेंटेशनस भी हम देखेंगे क्योंकि कुछ प्रीवियस एग्ज़ाम्स में हमने देखा है कि इनके कंपेरिजन पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चंस चाहे न्यूमेरिकल आए चाहे थेरेटिकल आए इफ़ यू आर कंसेप्चुअली साउंड तो यू कैन स्कोर सेम मार्क्स वेदर इट इज़ न्यूमेरिकल क्वेश्चन और थेरेटिकल क्वेश्चन तो इतना उसमें हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है लेकिन जो फॉर्मूले हैं उन्हें रटना भी नहीं है हमें तो इसका मतलब है कि सिंपली अगर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं फॉर्मूले को और कंपैरिजन के साथ अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है हाल प्लान की तो अच्छा है कि हम इन्हें कंपेयर करें तो स्टार्ट करते हैं रोन्स प्रीमियम प्लान देखिए रोन्स प्रीमियम प्लान की जब हम बात करते हैं तो रोन ने भी वही बातें बोली है जो बातें हालसे ने बोली है यानी एज़ फार एज दियू इज कंसर्न रिलेटेड टू गारेजेज टू बी पेड टू दी एम्प्लॉय तो उसमें कोई डिफरेंस इनमें आता नहीं है और दोनों बोलते हैं कि गारंटिड वेजेस मिलनी चाहिए अब गारंटिड वेजेस मिलनी चाहिए तो इस्पेक्टिव ऑफ दी परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेकन बाय द एम्प्लॉय हम उसे कुछ ना कुछ गारंटीड वेजेस देंगे और अगर टाइम सेव अगर कोई वर्कर करता है तो उसे हम बोनस भी देंगे दोनों प्लान में यहाँ पे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता है और गारंटेड वेजेस की बात करें तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है सेम मेथोडोलॉजी है जो हम फॉलो करते हैं हाल में रोन में भी वही फॉलो करेंगे जो भी वर्कर टाइम लेगा किसी जॉब को कंप्लीट करने के लिए उसे मल्टीप्लाई करेंगे आर्ली रेट से टू अराइव एट गारंटेड वेजेस हाँ जब हम बोनस की बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस हमें नज़र आता है जहाँ पे हमें हाल से प्लान में देखने को मिलती थी कुछ चीज़ें जैसे कि 50 परसेंट जब हम बात करते थे बोनस की टाइम सेव का 50 परसेंट बोनस दिया जाता था हाल से प्लान में देखिए फोर्टी परसेंट प्लान भी हाल से का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीज़ें ज़्यादा इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा लेकिन प्रपोर्शन में डिफरेंस है दोनों प्लान्स की बात करते हैं तो जहाँ हाल से कहते हैं कि फिफ्टी परसेंट ऑफ टाइम सेव्ड इन टू आर्ली रेट हमने पेमेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ बोनस वहीं पे रोवन ऐसे प्रपोर्शन के कैलकुलेशन को लॉजिकल नहीं मानते हैं और वो अपनी तरफ से एक लॉजिक इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे वो बोलते हैं कि किसी वर्कर की परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये प्रपोर्शन डिफाइन किया जाना चाहिए कि कितना बोनस या कितना परसेंट ऑफ बोनस किसी वर्कर को देना है देखिए जहाँ बोनस के फॉर्मूले की बात करें राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाई एच आर आर्ली रेट तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि अगर हम सारे प्रपोर्शन हटा दें या ये कह लीजिए अगर हम हंड्रेड परसेंट टाइम सेव्ड का बोनस देना चाहते हैं वर्कर को तो हमें फॉर्मूले के लेफ़्ट साइड की ज़रूरत या रिक्वायरमेंट नहीं होगी और इन दोनों चीज़ों को सेपरेट करते हुए अगर हम कैलकुलेशन करते हैं या एग्ज़ामिनेशन में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ना तो कोई गलती की संभावना रहती है एट द सेम टाइम कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट हो जाता है क्योंकि एक साइड हमने हंड्रेड परसेंट पॉसिबल बोनस हम रख रहे हैं और अब हमें सिर्फ उसे परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है तो बहुत आसान हो जाता है खैर फ़िलहाल जो डिफरेंस है वो प्रपोर्शन का है तो इन डिफरेंसेस को एक बार देख लेते हैं देखिए जहाँ रोन अब बोलते हैं कि जो प्रपोर्शन होगा वो टाइम टेकन और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम के बेसिस पे होगा और बोनस के कैलकुलेशंस की जो मैथडोलॉजी वो देते हैं उसे हम डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट्स में जहाँ पे प्रोपोर्शन जो डिफाइन हो रहा है वो हो रहा है टाइम टेकन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम यानी अब फिफ्टी परसेंट नहीं होगा अब डिपेंड करेगा कि कितना एक वर्कर ने परफॉर्म किया है कैसा एक वर्कर ने परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे ये प्रपोर्शन होगा चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं मान लीजिए स्टैंडर्ड टाइम किसी जॉब के लिए दे रखा है टेन आवर्स और कोई वर्कर उसे एट आवर्स में परफॉर्म कर लेता है तो यहाँ पे दो घंटे उस वर्कर का टाइम सेव निकल के आता है तो यहीं पे हल से बोलते हैं कि ये जो दो घंटे उसने सेव किए इसका 50 परसेंट बोनस उसे देना चाहिए लेकिन जब हम रोन की बात करते हैं तो ये प्रपोर्शन 80 परसेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं टाइम टेकन दैट इज़ एट आवर्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम दैट इज़ टेन आवर्स तो यहाँ पे जो रोन बात करते हैं वो एट्टी बोनस की बात करते हैं ठीक है यहाँ पे कैलकुलेशन की सिंपली सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने बात की है जहाँ पे हम टाइम सेव्ड और आर्ली रेट को अलग कर रहे हैं यानी 100 परसेंट पॉसिबल बोनस जो हो सकता है मैक्सिमम वो हम ले रहे हैं और सिर्फ बाद में हम सिर्फ प्रपोर्शन से मल्टीप्लाई करने वाले हैं आगे के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में तो प्रपोर्शन एक पार्ट हो जाएगा फॉर्मूले का और दूसरा पार्ट हो जाएगा जो भी मैक्सिमम टाइम सेव्ड पे हम आर्ली रेट के बेसिस पे कैलकुलेशन कर सकते हैं और ये कारण है कि आप नीचे भी देखेंगे जहां पे ब्रैकेट में ले रखा है टाइम सेविंग टू आर्ली रेट यानी पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे उसके बाद उसे प्रपोर्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं द दे सेम न्यूमेरिकल क्वेश्चन एज वा, एज इट वा, देयर इन दाल से प्लान स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है फोर्टी आवर्स टाइम टेकन है थर्टी आवर्स आर्ली रेट है टेन रुपीज और यहां पे हम बात करें रोन्स प्रीमियम प्लान की देखिए आगे कैलकुलेशन uh, से पहले ही हम हमें समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो भी टाइम सेव्ड और आर्ली रेट के कैल मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लीकेशन के बाद जो बोनस मिलने वाला 75 पे पे है वो सेवेंटी फाइव परसेंट प्रपोर्शन पर मिलेगा देखिए यहाँ पे टाइम टेकन है थर्टी आवर्स स्टैंडर्ड टाइम है फोर्टी आवर्स थर्टी डिवाइडेड बाई फोर्टी एस पॉइंट सेवन फाइव और यू में से सेवेंटी फाइव परसेंट चलिए तो इसके फॉर्मूले के साथ कैलकुलेशन देखते हैं टोटल वेजेस में गारंटेड वेजेस होंगे और टोटल वेजेस में बोनस होगा जहाँ गारंटेड वेजेस की बात करते हैं टाइम टेकन इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय द आर्ली रेट और यहाँ पे बोनस का फॉर्मूला होगा एक प्रोपोर्शन जो हम टी टी डिडेड बाई एस टी लेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे टाइम सेव्ड इन टू आर्ली रेट से और यहाँ पे क्योंकि टाइम टेकन है थर्टी आवर्स और दस रुपए की रेट से हम पेमेंट कर रहे हैं तो गारंटेड वेजेस हमने जो लास्ट एग्जांपल देखा था हाल प्लान के टाइम पे उसमें भी थ्री हंड्रेड रुपीज़ थी यहाँ पे भी थ्री हंड्रेड रुपीज़ हैं अब यहाँ पे प्रपोर्शन की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि प्रपोर्शन यहाँ पे चेंज हो जाता है जहाँ पे हाल प्लान में ये फिफ्टी परसेंट था यहाँ पे ये पॉइंट सेवन फाइव हो जाता है या सेवेंटी हो जाता है और उससे पहले अलग से हमने मल्टीप्लाई किया है पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया है टेन मल्टीप्लाइड बाई टेन तो हंड्रेड का सेवेंटी हो जाएगा बोनस सेवेंटी तो टोटल तो तो वेजेस यहाँ पर हो जाती है थ्री 75 रुपीज। तो पे जो सिमिलरिटी है हाँ जो डिफरेंस है वो प्रोपोर्शन का है चलिए तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू कंपेयर बोथ द्लान प्लान एंड रोल्स प्लान एक छोटा सा न्यूमारिकल क्वेश्चन ले लेते हैं फॉर दिफाइंग कंपेरिजन स्टैंडर्ड टाइम है यहाँ पे टैनास आली रेट है हंड्रेड रुपीज़ और यहाँ पे हम कंपेयर करने वाले हैं हाल इस प्लान को रोन प्लान के साथ इस कंपैरिजन के पीछे दो ऑब्जेक्टिव हैं पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि इनके कंपैरिजन के साथ हम कुछ अपनी कंसेपचुअल बैकग्राउंड को स्ट्रॉग कर लें और दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न है कि जो कैलकुलेशंस हैं इन फॉर्मूलों को यूज़ करते हुए उन कैलकुलेशन्स में हम थोड़ा सा फास्ट हो जाएँ तो चलिए इस कंपेरिजन के लिए हमने दस अलग अलग केसेस ले रखे हैं एक केस है जहाँ पे एक वर्कर टेन आवर्स लेता है जॉब को कंप्लीट करने के लिए तो ये जितनी डिटेल दे रखी है टाइम टेकन की दे रखी है किसी वर्कर के लिए जहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम से कंपेयर करेंगे हम तो टेन आवर्स हो सकती किस आर्स है किस केस टू में नाइन आवर्स हैं एट सेवन सिक्स इसी तरह से नाइन्थ केस में टू आवर्स में कम्प्लीट कर लेता है और लास्ट टेंथ केस में कोई वर्कर इस चास्क को एक घंटे में ही कम्प्लीट कर रहा है देखिए थोड़ा प्रैक्टिकल प्रक्रक्रक्रक्र, पॉसि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता है लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग टिकल एग्जाम्पल्स लेने से आ, आसान हो जाता है समझना सॉरी तो चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ और एक कंपैरिजन करेंगे एक टेबल को देखते हुए जिसमें कुछ प्रीसेट कैलकुलेशन हमने कर रखे हैं जिन की डिटेलिंग बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट जिनकी नहीं है तो देखिये इस टेबल में सबसे पहला वाला जो कॉलम है उसमें हमने केसेज लिख रखे हैं साथ में स्टैंडर्ड टाइम लिख रखा है यानी केस वन से टेन तक जितने भी केसेज हैं उनके लिए स्टैंडर्ड टाइम फिक्सड है टेन आवर्स और सेकेंड कॉलम आप देख सकते हैं जहाँ पे वर्कर के टाइम टेकन की डिटेल दे रखी है यानी केस वन में टेन आवर्स में कंप्लीट करता है दैन नाइन आवर्स में एट आवर्स में कॉलम uh, थ्री जो है वो टाइम सेव्ड का कॉलम है देखिए फर्स्ट कॉलम में से अगर सेकेंड कॉलम को डिडक्ट करेंगे यानी स्टैंडर्ड टाइम में से अगर टाइम टेकन को डिडक्ट करते हैं तो टाइम सेव का फिगर हमारे पास आ जाता है तो पहला केस अगर आप देखेंगे जहाँ पे टाइम टेकन टैन आवर्स है स्टैंड टाइम टैन आवर्स है तो टाइम सेव कुछ भी नहीं हो रहा है दूसरे केस में एक घंटा टाइम सेव हो रहा है तीसरे केस में थर्ड कॉलम में अगर हम देख रहे हैं तीसरे केस में दो घंटे सेव हो रहे हैं इसी तरह चौथे केस में सॉरी सेवन्थ केस में छः घंटा सेव हो रहा है और लास्ट केस में हम नौ घंटा सेव कर पा रहे हैं देखिए जहाँ तक बात करें गारंटेड विजिस की इट डिपेंड्स अपॉन दी टाइम टेकन बाय दी वर्कर पहले केस में हम देख सकते हैं कि 10 घंटा एक वर्कर ने लिया है और सौ रुपये आर्ली रेट है तो थाउजेंड रुपीज़ की गारंटेड वेजेस का पेमेंट होना चाहिए इसी तरह से 9 घंटे अगर टाइम टेकन है तो 900 इसी ढंग से सारी कैलकुलेशन है गारंटेड वेजेस के ये दोनों कैलकुलेशन पहले ही टेबल में दे रखे हैं कारण ये हाल सेल्स प्लान की बात करें या रोन्स प्लान की बात करें गारंटेड वेजेस में कोई डिफरेंस नहीं आता है देखिए अब यहाँ पे हमें देखना है थर्ड कॉलम की तरफ थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है जहाँ पे टाइम सेव्ड हमें दे रखा है और जहाँ पे भी टाइम सेव्ड होगा वहाँ पे बोनस भी दिया जाएगा वर्कर को तो जो पहला केस है वहाँ पे कोई टाइम सेव्ड नहीं है तो कोई बोनस नहीं होगा अगर हाल सेल्स प्लान की बात करते हैं यानी टोटल वेजेस हो जाएंगी थाउजेंड रुपीज़ दूसरा केस जब हम देखते हैं जहाँ पे हमारा टाइम सेव्ड है एक घंटा तो देखिए यहाँ पे हमने जो कैलकुलेशन किया है उस कैलकुलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है पहला पार्ट है प्रपोर्शन और उस प्रपोर्शन को हमने मल्टीप्लाई किया है टाइम सेव्ड इनटू टू आर्ली रेट यानी टाइम सेव्ड इनटू टू आर्ली रेट ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो वन मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड वेलकम टू हंड्रेड इस हंड्रेड का फिफ्टी परसेंट देखते हैं तो वो बोनस हो जाता है इसी तरह थर से थर्ड प्लान पे जाते हैं तो हमने दो घंटे सेव करने हैं दो घंटे यानी दो सौ रुपया उसके बाद उसे प्रपोर्शन से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 200 हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टी परसेंट वेलकम टू हंड्रेड रुपीज देखिए अब कैलकुलेशन आप, आप वर्बली कर सकते हो मैनुअली कर सकते कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है बहुत ईजीली ये कैलकुलेशन पॉसिबल है नेक्स्ट केस देखते हैं जहाँ पे तीन घंटा सेव कर रहा है अगर वर्कर तो तीन सौ रुपये उसे टाइम सेवडिंग टू तो आर्ली रेट के मिलने चाहिए उसका फिफ्टी परसेंट देंगे तो वन फिफ्टी रुपीज़ का बोनस हो जाता है यहाँ पे इसी तरह से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट केस में तो चार घंटे सेव तो चार सौ रुपये मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टी परसेंट पाँच घंटे सेव करता है तो फाइव हंड्रेड बी मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टी परसेंट इन द सेम वे अगर हम टेंथ केस देखते हैं जहाँ पे एक वर्कर नौ घंटा सेव कर रहा है तो उसे नौ सौ रुपये मैक्सिमम मिल सकते थे लेकिन उसका फिफ्टी परसेंट उसे मिलेगा चार सौ पचास रुपया तो बोनस का कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है कि अगर हम प्रपोर्शन को अलग करके सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में बोनस को कैलकुलेट करने के लिए और टोटल वेजेस सिंपल कैलकुलेशन है गारंटेड वेजेस को बोनस से जोड़ना है और टोटल वेजेस आ जाएंगी देखिए अब ये कैलकुलेशन हाल से इस प्लान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है जब हम टाइम सेव्ड और आर्ली रेट को एक साथ कैलकुलेट करते हैं लेकिन इस कैलकुलेशन को जब हम रोन्स प्लान में देखेंगे तो इससे बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्यों हम एक कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को किस तरह से हम आसानी से मैनुअली सॉल्व कर सकते हैं सेकेंड केस में देखेंगे हमारे पास टाइम सेव्ड है एक घंटा और एक घंटा टाइम सेव्ड के लिए हमें सौ रुपया मैक्सिमम मिल सकता है लेकिन प्रपोर्शन जो रोन बोलते हैं वो होगा टाइम टेकन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम यानी नाइन्टी परसेंट जो टाइम टेकन का प्रपोर्शन है स्टैंडर्ड टाइम से उतना बोनस मिलेगा यानी नाइन्टी रुपीज़ का सेकेंड नेक्स्ट केस में जब हम देखते हैं तो दो घंटे हमने सेव किए हैं दो घंटे सेव करने का मतलब है दो सौ रुपये हमें मैक्सिमम मिलना चाहिए टाइम सेव्ड इनटू टू अर्ली रेट लेकिन जो प्रपोर्शन है वो एट्टी परसेंट हो जाता है तो वन सिक्सटी रुपीज़ थर्ड केस में मैक्सिमम थ्री हंड्रेड रुपीज़ दैन प्रपोर्शन चेंज होता है सेवेंटी परसेंट पर आता है इसी तरह से जब हम सिक्स केस पर जाते हैं यानी जहाँ पर टाइम सेव्ड फिफ्टी है तो हम देखते हैं चाहे वो हादसे हो चाहे वो रोन हो दोनों के केस में बोनस का अमाउंट सेम होता है चलिए तो कैलकुलेशन बहुत आसान है इन्हें और सिंपलीफाई करने के लिए ही इसका डिटेल डिस्कशन मैं कर रहा हूँ हमें टाइम सेव्ड और आर्ली रेट को अलग से कैलकुलेट करना है और उससे बाद में प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई कर देना है इससे कैलकुलेशन फास्ट हो जाते हैं और गलती की संभावना भी बहुत कम रहती है चलिए तो यहाँ पे टोटल वेजेस देख लेते हैं जब हम बात करेंगे टाइम सेव पाँच घंटा है वहाँ पे हम देखते हैं टोटल वेजेस भी दोनों ही केसेस में बराबर है यहाँ पे एक चीज़ और आ, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम बोनस का कैलकुलेशन देखते हैं कि हाल से सेल्स प्लान में जब बोनस का कैलकुलेशन होता है तो ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड रखता है जैसे जैसे वर्कर टाइम सेव करेगा आ, उसके लिए बोनस बढ़ता जाएगा और एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगा देखिए यहाँ पे ना सिर्फ बोनस बढ़ रहा है बल्कि सेम प्रपोर्शन में बढ़ रहा है यानी एक घंटा सेव किया है तो पचास रुपये का दो घंटा सेव किया है तो सौ रुपये का यानी हर स्टेप पे यहाँ पे पचास पचास रुपये का बोनस बढ़ रहा है हर घंटे के साथ और ये पचास रुपये इसलिए क्योंकि हमारी आर्ली रेट है हंड्रेड रुपीज़ तो हर घंटे पे हंड्रेड रुपीज़ की जगह हमें फिफ्टी रुपीज़ का बोनस मिल रहा है तो एक इनक्रीजिंग ट्रेंड स्ट्रेट लाइन शो करता है लेकिन जैसे हम बात करते हैं रोन्स प्लान की तो यहाँ पे एक कर्व फॉर्म होगा अगर हम इसे चार्ट पे रखेंगे या ग्राफ पे रखेंगे क्योंकि इनिशियली जो बोनस है वो रोन्स प्लान में एक एम्प्लॉय को ज़्यादा दिखाई देता है और वंस इट रीचेस टू फिफ्टी परसेंट ऑफ द टाइम सेव्ड हाल से और रोन बराबर बोनस देते हैं और उसके बाद डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो करता है रोन्स प्लान का बोनस जहाँ पे पहले 90 से 160, 160 टू 210, 210 टू 240, 240 टू 250 जाता है उसके बाद ये डिक्रीजिंग ट्रेंड दिखाने लग जाता है तो अगर बात करें रोन्स प्लान की तो अपेल 50 परसेंट अच्छा इंक्रीजिंग ट्रेंड शो करता है लेकिन उसके बाद ये यू टर्न ले लेता है चलिए इसे ग्राफ पे देख लेते हैं पहला हम प्लान था हमारा हाल प्लान हाल प्लान को अगर हम एक्स एक्सेस पे टाइम सेव्ड रखते हैं और बोनस का अमाउंट अगर हम वाई एक्सेस पे रखते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन हमें दिखेगी जो इंक्रीजिंग ट्रेंड शो करती है और देखिए यहाँ पे हर घंटे के साथ पचास रुपये का बोनस एड होता जा रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन ट्रेंड ही शो करेगी तो बहुत सिंपल सा ग्राफ है समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए लेकिन तो जब हम बात करते हैं रोन्स प्लान की तो हम देख सकते हैं कि इनिशियली ये प्लान ज्यादा बोनस देता है लेकिन जैसे ये 50 परसेंट टाइम सेव्ड पे पहुंचता है उसके बाद ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो करता है दूसरा इस प्लान के का जो ड्रॉबैक कह सकते हैं आप वो ये है कि दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम टेकन पे ये सेम बोनस शो करता है देखिए जहाँ पे क्योंकि ये रिवर्स ए या उल्टा ए कर बन रहा है तो अगर एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो वन सिक्सटी का बोनस दो अलग अलग प्रपोर्शंस पे आता है यानी एक वर्कर ऐसा है जो कम टाइम सेव कर रहा है और एक वर्कर ऐसा है जो ज़्यादा टाइम सेव कर रहा है इस पर्टिकुलर केस में उसे हम समझ सकते हैं एट्टी परसेंट टाइम टेकन और ट्वेंटी परसेंट टाइम टेकन ये दोनों ही वर्कर को सेम अमाउंट ऑफ बोनस का पेमेंट हो रहा है तो ये कन्फ्यूजन हमें दिखता है आ, रोन्स प्लान में दोनों प्लान को अगर कंपेयर करने की बात हम करते हैं तो हम देख सकते हैं इनिशियली जो रेड लाइन है जो शो कर रही है रोन्स प्लान को और ब्लू लाइन शो कर रही है हालसे प्लान को के बोनस को तो इनिशियली जो रेड लाइन है अपटिल फाइव फाइव आवर्स और फिफ्टी परसेंट टाइम सेव्ड की बात जब हम कर रहे हैं तो अपटिल दैन ज़्यादा बोनस दिखता है रोन्स प्लान में लेकिन 50 परसेंट टाइम सेव के बाद जो भी एडिशनल टाइम सेविंग करता है वर्कर उस पर डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो करता है रोन्स प्लान तो अगर किसी एम्प्लॉय के व्यू पॉइंट से बात करें और उसका टाइम सेव 50 परसेंट से कम है तो उसके लिए रोन्स प्लान बहुत अच्छा होगा और उसका टाइम सेव से तो अगर फिफ्टी से ज़्यादा है तो उसे हाल से इस प्लान में ज़्यादा बोनस मिलेगा अगर एम्प्लॉय की व्यू पॉइंट की बात करते हैं तो 50 परसेंट से कम टाइम सेव्ड पे हाल से इस प्लान को यूज़ करके एक एम्प्लॉयर ज़्यादा बेनिफिट ले सकता है और अगर टाइम सेव्ड 50 परसेंट से ज़्यादा है तो ऐसे में एम्प्लॉयर रोन्स प्लान को यूज़ करके ज़्यादा बेनिफिट ले सकता है उसे कम पेमेंट करना पड़ेगा बोनस का वर्कर को देखिए ये कंपैरिजन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों प्लांट्स एक दूसरे से टकराते हैं और कहीं ना कहीं सिमिलर लगते हैं लेकिन एट द सेम टाइम जब बोनस के कैलकुलेशन की बात आती है तो ये बिल्कुल डिफरेंट प्लांट्स हैं और यही कारण है कि बोनस की डिफरेंस की वजह से हम कुछ क्वेश्चनस इस पर फॉर्म कर सकते हैं जहाँ पे इन दोनों फॉर्मलों को आमने आमने सामने रख के साइड बाई साइड रख के जब हम चलते हैं तो कुछ कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं तो नेक्स्ट सेशन में हम कैलकुलेशंस पर कंसंट्रेट करेंगे टिल देन थैंक यू